हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं देख सकते हो आप, मैं अगेन वेम्बली आई हूँ काम से। और आज क्या है कि आज से यहाँ पे जितने भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं रिगार्डिंग मास्क पहनने के, या फिर आप कितने लोग एक वेन्यू में आ सकते हैं, कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वो सारी रिस्ट्रिक्शन आज से ख़त्म हो गई हैं। और अभी जैसे मैं ट्यूब में आ रही थी, तो अभी वॉलंटरी है, आपके ऊपर है, आपको मास्क लगाना है तो लगाए, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, कोई आपको कहेगा नहीं और आप कोई कह नहीं सकता बेसिकली। तो जैसे आज ट्यूब में भी था तो काफ़ी लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, मैंने तो लगा रखा था। यहाँ बाहर भी वैसे भी वेदर अच्छा हो गया है तो लोग बहुत बाहर निकल रहे हैं एंड मास्क नहीं लगा रहे हैं। नंबर्स तो बहुत बढ़ रहे हैं, आई डोंट नो क्या होगा, बट फॉर द टाइम बीइंग सिचुएशन यही है। पीपल आर गोइंग आउट एंड अबाउट, बट होपफुली द वैक्सीनेशंस विल हेल्प, बट आई डोंट नो, पीपल आर स्टिल फॉलिंग सिक, हॉस्पिटल एडमिशंस हो रही हैं। सिवियरिटी उतनी नहीं है, बट जिनको हो रहा है वो सिवियर भी हो रहा है। सो अभी सब कुछ ही है, कन्फ्यूजन ही है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, सी यू लेटर। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज जो है मैं जाऊंगी भी मासी से मिलने के लिए, तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और मुझे जाना है। लेकिन उससे पहले क्योंकि मासी 70+ हैं और वैसे तो उन्होंने उनको दोनों वैक्सीन डोजेस लग चुकी हैं, मुझे भी लग चुकी हैं, बट स्टिल क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ और मेरे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, तो दो इतना हम बाहर नहीं जाते, बट स्टिल आप घर में तो नहीं बैठे ना अब अभी एकदम से। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे लैटरल फ्लो टेस्ट किट मिलते हैं जो आप घर में टेस्ट कर सकते हो कोरोना वायरस के लिए। और ये टेस्ट किट्स जो हैं, जहाँ ऑफिसेज में लोग जाना शुरू हो गए हैं तो वहाँ पे भी लोग जो हैं वो टेस्ट करके जिस दिन जाना होता है वो करके जाते हैं टू सी पॉजिटिव है नेगेटिव है। स्कूल्स, हाई स्कूल में बच्चों एवरी वीक ट्वाइस अ वीक करते हैं टेस्टिंग। स्कूल टीचर्स हैं जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं वो भी रोज़ टेस्टिंग करते हैं, तो इससे बहुत जल्दी आपको पता चल जाता है कि आपका टेस्ट कोरोना वायरस का आप में है कि नहीं है, वायरस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और अभी तो रिसेंटली इसकी एक्यूरेसी इज़ ऑलमोस्ट लाइक 90%। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड मासी से मिलने से पहले। तो मैं अभी मैंने टेस्ट किट तो खोल लिया है, अभी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज थोड़ा सा सैनिटाइजर लगा लेती हूँ हैंड में, और मेरे पास यहाँ मिरर मैंने साइड में रखा हुआ है यहाँ पे, सो दैट क्योंकि वो सैंपल लेना होता है ना, तो उसके लिए पहले मैं इसमें डालती हूँ। ये लिक्विड है जो आपको विच विल एक्चुअली हेल्प यू इन गेटिंग द टेस्ट। तो इसको इसमें, ये सारा टेस्ट किट फ्री मिलता है गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके, अगर आप ऑर्डर करें तो ये फ्री मिलता है। ओके, और ये है जिसमें लिक्विड जाएगा, इट इज़ जस्ट लाइक योर प्रेगनेंसी टेस्ट किट, नहीं आता है वैसा है, इसमें आप वो ड्रॉप्स डालोगे और वो हाफ एन आवर में आता है रिजल्ट, लेकिन इसका एंड इन हाफ एन आवर यू विल कम टू नो पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो यही है, इससे ही आपको सारा करना होता है, अपने टंग बैक ऑफ द थ्रोट से लेना है सैंपल और नोज से लेना है सैंपल। सो आई जस्ट टेक दैट, थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होता है बट ठीक है, आई जस्ट मिरर से देख लूँ कि मैं ले लेती हूँ। अब यही आपको जो है नोज में डालना होता है।
फिर ये जो लिक्विड आपने डाला है ना, इसकी कैप खोल के इसमें आपको ये जो स्टिक है इसको डालना होता है, इस लिक्विड में इस स्टिक को रोटेट करना होता है ताकि जो भी वायरस है, जो भी है, ये सार मतलब इफ देयर इज व्हाटएवर इट इज, जो सैंपल कलेक्ट किया है वो आपके इसमें मिक्स हो जाए, इसको अच्छे से मिक्स करना होता है। ओके बेल बजी, मैं आती हूँ जरा एक मिनट इसको। डियर मी, ऑल राइट, जैसे आपने देखा डोर बेल बज गई थी तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। सो आई जस्ट क्विकली सैनिटाइज माई हैंड्स। और ये जो है लिक्विड, ये मुझे अभी इसमें मैं ड्रॉप्स डालूंगी, टू ड्रॉप्स ही डालनी होती हैं। सर मैंने इसमें टू ड्रॉप्स डाल दी हैं, बाकी सब डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी इसमें बैग दिया है, डिस्पोजल बैग। सो एवरीथिंग विल गो इनसाइड इट टू बी डिस्पोज ऑफ। अभी इसका रिजल्ट हाफ एन आवर का वेट है, 30 मिनट्स के बाद इसका रिजल्ट आएगा एंड देन आई विल कम टू नो कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। और जो भी रिजल्ट है वो आपको अपलोड करना होता है, इनकी वेबसाइट है NHS की, सो उसमें जो है आप अपलोड करते हो रिजल्ट अलोंग विद हर टेस्ट किट का जो है एक लॉट नंबर है या उसका उसमें सीरीज नंबर है जो आपको अपलोड करना है कि किस टेस्ट किट में आपका ये रिजल्ट आया है, सो दैट दे कैन कीप ट्रैक ऑफ। सो बस अब मैं वेट करूँगी हाफ एन आवर के लिए और फिर उसके बाद अगर सब ठीक हुआ देन आई गो टू मासीज हाउस टू विजिट हर। तो अब मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद। तो जब तक मेरा टेस्ट का रिजल्ट आता है तब तक मैं सोचा आप लोगों को जो है गार्डन का अपडेट दे दूं, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने आपको गार्डन दिखाया था आई थिंक लास्ट वीडियो में, और मैंने बताया था कि मेरे एक टमाटो प्लांट में जो है डिज़ीज़ आ गई है, और वो डिज़ीज़ जो है लग गई थी एक्चुअली उसमें। और मैंने उस दिन आप एक ही दिन छोड़ा, और अगले दिन जब मैंने दोबारा चेक किया टमाटो प्लांट को तो वो तो ख़राब हो ही गया था, लेकिन उसके कारण जो है और भी मेरे प्लांट्स जो हैं उनमें भी टमाटो प्लांट्स में जो है वो डिज़ीज़ स्प्रेड हो गई थी। वो एक्चुअली एक फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल डिज़ीज़ होती है प्लांट्स की, जो क्योंकि टमाटो जो है वार्म क्लाइमेट का प्लांट है तो उसको जो है, और टेम्परेचर्स यहाँ अचानक से बहुत ठंडे हो गए थे, तो बिकॉज ऑफ दैट वो जो है सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, वो दे वर स्ट्रगलिंग, और उसके कारण वो फंगल डिज़ीज़ हो जाती है। मुझे पता नहीं था बिकॉज मेरे को लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ नहीं, बट दिस ईयर टेम्परेचर ऐसा हुआ कि बीच में बहुत गर्म था और फिर एकदम से ही टेम्परेचर्स इतने लो हो गए कि मिनिमम आपका बिलो 10 चला गया, बिलो 10 डिग्रीज जो है, मैक्सिमम 15-16 रहता था, और ये कोई अराउंड अबाउट 3 वीक्स तक ऐसा रहा। सो बिकॉज ऑफ दैट इनमें वो हो गया है। तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या किया, मैंने वो प्लांट तो निकाल दिया था जो मैंने आपको बताया था, लेकिन जो बाकी प्लांट्स थे उनकी मैंने सारी कटिंग कर दी जो इन्फेक्टेड और ड्राई लीव्स थे। अब देखो क्या है, मैं दिखाती हूँ प्लांट्स ना, बेचारे ऐसे लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कटे पिटे, दिखाती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे प्लांट था जो मैंने एक निकाल दिया है, यहाँ पे था वो मैंने निकाल दिया था। ये वाला फिर भी ठीक है, इनकी मैंने काफ़ी प्रूनिंग कर दी है, अगर आप देखो तो मेरे लीव्स बहुत कम रह गए हैं अब। और जो ये वाला है लीव, इस ये वाला सॉरी लीव कह रही हूँ, ये वाला जो प्लांट है अगर देखो इसमें तो इसमें भी जो है अब यही बचे हैं लीव्स, सारे मैंने कटिंग कर दी है इन सब की। सो कितने सर्वाइव करते हैं इनमें से आई एम नॉट श्योर, वो एक लर्निंग कर्व होगा, आई विल कम टू नो कि इससे भी प्रोटेक्ट करना है। इनमें जैसे भी आ तो गया है, इसमें एक छोटा सा टमाटर यहाँ लगा है,
इसमें भी एक छोटा सा यहाँ पे टमाटो लगा है, बट आई डोंट नो अभी सर्वाइव करते हैं, जो न्यू लीव्स आएंगे ना उससे पता चलेगा, न्यू शूट्स जब आएंगी कि क्योर हो गया, क्योंकि मैंने स्प्रे बनाया उसके बाद, मैंने रिसर्च किया और एक ऑर्गेनिक स्प्रे बनता है बेकिंग पाउडर का, तो वो बना के मैंने इसमें स्प्रे तो किया है, सो होपफुली एवरी वीक करना है उसे अभी मुझे, सो इस वीकेंड फिर करूँगी मैं, एंड देन आई विल कम टू नो कि उस पर कुछ फ़र्क हुआ है कि नहीं। देखो मैंने कहा था मैं लास्ट टाइम कि मैं वीड्स क्लियर करूँगी, मैं सारी वीड्स क्लियर कर दी हैं, अब ये आपको सामने पूरे प्लांट्स दिख रहे हैं क्यूकम्बर के, और बाकी तो बीट रूट एंड मूली तो चल ही रही है ठीक ठाक, बाकी प्लांट्स सारे ठीक चल रहे हैं। यहाँ पे देखो इसमें भी जो है पीज के ना पॉड्स बनने शुरू हो गए हैं, ये देखो मटर के जो है ये, इसमें भी और भी फ्लावर्स आए हैं, तो होपफुली दैट बी गुड। यहाँ पे थोड़ी सी अभी ये जो है बटन स्कॉश की बेल जो है ग्रो होने शुरू हो गई है, इसमें तो इनफैक्ट दो बार फ्लावर्स भी लग चुके हैं, बट ऑब्वियसली शायद दोनों ही मेल फ्लावर्स थे विच आर नो गुड। और यहाँ पे अच्छा हमने यहाँ से ना पोटैटोज निकाल दिए थोड़े से, तो इसलिए खाली लग रहा है, और ये मेरी कॉर्जेट जो है अभी एक ही कॉर्जेट इसमें लगना शुरू हुई है विच इज़ दिस वन, मेरी बहुत पता नहीं, देखते हैं बड़े होकर तो पता चलेगी कैसी है। और बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस एक और जो अपडेट है, एंड दैट अपडेट इज़ जो मेरे चने हैं इनमें फ्लावर्स आ गए हैं, मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं वैसे ये फ्लावर्स कि इनमें ऐसे पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं चनों में, जो फिर अभी फ्लावर्स आए हैं आई थिंक इसके बाद फिर इसमें चना चने का पॉट बनेगा आई थिंक, मैंने पहले देखे नहीं है कि बल्कि बाज़ार में देखे हैं जो कच्चे आपको मिलते हैं वो तो मैंने देखे हैं, जो चना का छोलिया मिलता है, बट ऐसे प्लांट में लगे हुए नहीं देखे हैं, सो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम फॉर मी एज़ वेल। और बाकी तो सब नॉर्मली है, कुछ नया अपडेट नहीं है, बस बहुत सारा अभी हमने सब प्रिपेयर किया है बेड्स, यहाँ पे भी जो खाली जगह प्रिपेयर किया है सभी जगह कुछ कुछ लगेगा, यहाँ पे भी मैंने काफ़ी प्रिपेयर कर लिए हैं बेड्स, जैसे जो खाली जगह है यहाँ पे भी मैं लगाऊंगी अभी प्लांट्स सीड्स, जैसे स्पेशली बीट रूट हुआ, कैरेट है, और ये जो मूली है ये तो विंटर्स तक चल जाती है, सो ये सारी प्लांट करूँगी मैं यहाँ पे, सो नेक्स्ट लॉट के लिए। सो या यही अपडेट है बेसिकली ऑन माय टमाटोज कि इनमें, और ये ना इतना जो ये डिजीज़ है फंगल वाली ये इतनी बुरी होती है, इन्होंने मुझे बताया जैसे मैंने रिसर्च किया तो गार्डनर्स कह रहे थे कि जो प्लांट आप उखाड़ भी देते हो और जो इन्फेक्टेड लीव्स भी होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो है उसको या तो बर्न करते हैं वो लोग ताकि वो दोबारा से कहीं भी सॉइल में जैसे ना डिकम्पोज होके ना आ जाए, सो काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस है। नहीं भी हुए अगर सारे टमाटो प्लांट्स इन्फेक्ट हो गए और नहीं भी होते हैं नए कुछ नहीं प्रोड्यूस लगता है तो एटलीस्ट मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, आई हैव लर्न समथिंग न्यू अबाउट टमाटोज नाउ। तो यही है बस अपडेट ऑन माय गार्डन, इसके अब मैं जाके देखती हूँ कितना टाइम हुआ है मेरे टेस्ट के लिए, कितना और बचता है, एंड देन आई विल लेट यू नो द रिज़ल्ट इज़ वेल। थोड़ा धक धक तो होती है जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बट होपफुली नेगेटिव ही होगा। चलो दिखाती हूँ रिज़ल्ट। हेलो, और अब टेस्ट का टाइम जो है अप हो चुका है और मैंने टेस्ट देख लिया है, क्योंकि जैसे ही मैं रूम में आई और शूट करने से पहले मैं नज़र से चले गई है और मैं स्माइल से आप समझ सकते हो कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इसमें ऐसा आता है, अगर सिंगल लाइन आती है तो नेगेटिव है फॉर टुडे, एंड अगर डबल लाइन आती है, अगर यहाँ पे एक और लाइन आ जाती है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ही लाइन है, बट अगर टी के आगे भी एक और लाइन आती है तो सी के पास ही है, बट टी के पास भी अगर आती है तो वो टेस्ट जो है पॉजिटिव हो जाता है आपका। सो क्योंकि टेस्ट नेगेटिव है मुझे बस इसका रिजल्ट अभी वेबसाइट में अपलोड करना है सीरियल नंबर के साथ कि इस सीरियल नंबर के टेस्टिंग किया था तो क्या रिजल्ट आया है, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव टू डू, और उसके बाद मैं जाऊंगी मासी से मिलने के लिए। और ये देखो मेरे ऑर्किड्स भी खिल गए हैं अभी, तो हर साल जो है ये अराउंड अबाउट दिस टाइम ब्लूम करते हैं, एंड
2 to 3 months तक ये फ्लावर्स ऐसे ही रहते हैं. दैट्स व्हाट ऑर्किड्स आर, वो फ्लावर्स ऐसे हैं कि लंबी लाइफ रहती है उनकी. तो ये मेरे को मासी ने दिया है मेरे बर्थडे में, आई थिंक 3-4 साल पहले उन्होंने मुझे बर्थडे में दिया था. तो ये हर साल जो मेरे बर्थडे मंथ में खिल जाता है. और ये भी हमारे फ्रेंड्स ने दिया था हमें, तो ये भी दोनों इकट्ठे ही खिलते हैं. सो अच्छे, सो समर्स में मेरे बर्थडे के आसपास दोनों जो है ये ब्लूम में होते हैं. सो अब मैं जल्दी से ये पैक करती हूँ, अपडेट करती हूँ रिजल्ट ऑन द वेबसाइट, एंड फिर मैं निकलूँगी मासी के यहाँ जाने के लिए. अराउंड 30 मिनट्स लगता है ड्राइव टाइम यहाँ से, मेरे घर से मासी के यहाँ. ट्रैफिक नहीं होगा तो शायद 25 मिनट्स में पहुँच जाऊँ, बट इतना ही फ़र्क पड़ता है. ट्रैफिक होगा 30 मिनट्स, अगर कहीं पर एकदम ही जैम है तब तो, जैसे लास्ट टाइम मैं गई थी और वहाँ पर कुछ रोड वर्क चल रहा था, बहुत टाइम लगा था मुझे, 1 घंटा ऑलमोस्ट मैं फंसी रही थी वहाँ पे, बिकॉज बहुत ट्रैफिक था. और अब मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो जो हमने शूट किया था वीकेंड में, अमायरा की हॉर्स राइडिंग का, उसकी फर्स्ट सेशन था हॉर्स राइडिंग का. उसको बहुत शौक है हॉर्स राइडिंग का, वो बहुत टाइम से पीछे पड़ी हुई थी कि मेरे लिए जो है हॉर्स राइडिंग क्लासेस ढूँढो, हॉर्स राइडिंग क्लासेस ढूँढो, और कहीं मिल भी नहीं रही थी. एक तो आई थिंक डिमांड भी ज़्यादा है, और जितने, क्योंकि क्लास साइज़ बहुत बड़ा नहीं हो सकता है ना, आपका मैक्सिमम 10-12 हॉर्स बच्चे ही हो सकते हैं एनी गिवन क्लास. और क्योंकि आप कितने हॉर्सेस रखेंगे जिनको ये रन करना होता है स्टेबल्स, वो भी तो हॉर्सेस को रखना भी एक एक्सपेंसिव काम है. तो आप उतने लिमिटेड ही रख सकते हो. फिर हर हॉर्स के साथ भी आपको एक ट्रेनर चाहिए है, ताकि वो बच्चा तो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तो सीखने के लिए आए हैं. तो आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद फिर जो है मैं आपको मिलती हूँ बाद में. तो ये है राइडिंग स्कूल, और ऐसे देख सकते हो कि सारा ग्रुप जो है बच्चों का, वो अपने अपने ट्रेनर्स के साथ और हॉर्सेस के साथ अभी चला गया है ट्रेनिंग एरिया में ट्रेन होने के लिए. और ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा राइडिंग स्कूल है. यहाँ पे हर तरह के ट्रेनिंग एरियाज हैं, डिपेंडिंग ऑन किस डिफ़िकल्टी लेवल पे चाइल्ड है या इवन अडल्ट जो सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स कौन से लेवल पे हैं. तो जब अमायरा अपनी ट्रेनिंग कर रही थी और हमें 1 घंटे के लिए वेट करना था, तो हम पास में एक बहुत ही अच्छा सा पब है जो हमेशा ही बिजी रहता है और उसमें हमेशा ही वेटिंग रहती है. तो हम वहाँ चले गए थे, थोड़े से जो है हमें कचूल वहाँ बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, और अमायरा को भी यहीं ले आएंगे जब इसकी क्लास ख़त्म हो जाएगी. और ये बहुत ही सुंदर पब है, छोटा सा, छोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा है. बाहर भी है सीटिंग एरिया, अंदर भी है, और काफ़ी इसका ट्रेडिशनल इंग्लिश पब का जो है लेआउट है, डेकोर है. तो बस हम अभी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे अपना फूड, और आपको मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, एंड डू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.